पे है लव का सीजन, दिल में अरमा हर तुम भी जवा और हम भी जवा। आज की कहानी उस बेहतरीन अदाकारा पर है जो अपने जवानी के समय हसीन हीरोइन थी और मध्य आयु के समय दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। अरे मैं अपने जमाने में जब स्टेज पे कदम रखती थी तो स्टेज हिल जाता। मैं आपकी अनामिका हिंदी सिनेमा के चाहने वालों को उन यादों के सफर पर लेकर जाने वाली हूँ जिनसे जुड़े हैं बेहिसाब पल और दिल को छू लेने वाले किस्से। पर इस अदाकारा का अंतिम समय इस कदर तक मुश्किल भरा रहा कि मानो उनके साथ भगवान ने ना इंसाफी की थी। सुन रहे हो जी? जाने तो बच्ची है। तेरी दो गज लंबी ज़बान काट के फेंक दूँगी। अरे अरे। इस गजब और अद्भुत कलाकार ने अपने जीवन की आखिरी फिल्म 2005 में की। वो किरदार इतना जबरदस्त था कि उस फिल्म को ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला। इधर आओ। जा? बेचारी, तुझे देखकर बड़ा तरस आ रहा है मुझे। रोमांटिक, गंभीर, हास्य खलनायक, इन सभी किरदारों में फिट बैठने वाली उस अभिनेत्री का नाम है मनोरमा। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। एरिन आइसैक डैनियल्स उर्फ मनोरमा। आप में से कुछ लोगों को ये नाम नया नया सा लगेगा पर मनोरमा आधी आयरिश और आधी भारतीय क्रिश्चियन है। इनका जन्म 16 अगस्त 1926 को अविभाजित भारत के लाहौर में हुआ। उनके भारतीय पिताजी कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ाते थे और आयरलैंड की माँ हाउसवाइफ थी। विभाजन के पूर्व लाहौर में ही मनोरमा का बचपन बीता और प्राथमिक शिक्षा के साथ वो डांस और संगीत में भी निपुण रही। कहा जाता है कि उनके माता पिता संगीत कला के जानकार थे, उनसे ही मनोरमा को संगीत की विद्या प्राप्त हुई। इसके अलावा स्टेज शो से भी उनका नाता जुड़ गया। एक दिन 9 साल की मनोरमा स्टेज पर किरदार निभा रही थी। दर्शकों में जाने माने निर्माता रूप शौरी बैठे थे। उन्हें छोटी मनोरमा में कमाल की झलक दिखी। फिर उन्होंने मनोरमा का जिक्र दिलसुख पंचोली से किया जो लाहौर के फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे। फिर पंचोली साहब ने मनोरमा को बाल कलाकार के रूप में अपने एक फिल्म में साइन करने का फैसला किया। 1941 में रिलीज हुई उस धमाकेदार फिल्म का नाम था खजांची, पर रूप शौरी ने भी अपनी फिल्म हिम्मत में मनोरमा को कास्ट किया था, पर खजांची हिम्मत से पहले रिलीज हुई। आपको बता दूं कि खजांची फिल्म के रिलीज के पहले मनोरमा को बेबी आयरिस कहा जाता था, पर इस फिल्म में बेबी आयरिस ने मनोरमा का किरदार निभाया था, इसीलिए रूप शौरी ने उनका नाम मनोरमा रख लिया। आगे चलकर मनोरमा ने पंचोली साहब के बैनर अंतर्गत अन्य लाहौर के बड़े बड़े निर्माताओं के साथ काम किया। आपको जानकर मजा आएगा, आज के जमाने का सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रकार के इमोजी का उपयोग कर भावनाओं को दर्शाया जाता है, पर आज से लगभग 70 साल पहले वो मनोरमा थी जिन्होंने हर प्रकार के भाव प्रधान मुख्य मुद्राओं का उपयोग अदाकारी में किया था। जैसे चार्ली चैपलिन के फेस इम्प्रेशन इतने भावना प्रधान हुआ करते थे जिसके कारण वश डायलॉग्स की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, और इस कला में मनोरमा माहिर थे। शुरुआती समय में मनोरमा बड़ी दुबली पतली और खूबसूरत हुआ करती थी, इस वजह से उन्हें उप अभिनेत्री का दर्जा मिला था। अपने दमदार अभिनय के कारण मनोरमा लाहौर की सबसे अधिक मान धन वाली अदाकारा कहलाई। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि आपको फिल्म जगत में सफल होने के लिए खूबसूरती से भी अधिक कलाकारी की जरूरत होती है। साल 1947 के आखिरी तक उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्मों में काम किया, चंपा, बदनामी, खामोश निगाहें, चुनरिया, घर की इज्जत। ये उन फिल्मों के नाम हैं जिसमें मनोरमा ने उस जमाने के स्टार कलाकारों के साथ काम किया
जैसे दिलीप कुमार, मजनू, निसार, वास्ती। पंजाबी और हिंदी फिल्मों में काम करते हुए उनका जीवन लाहौर में ही बीत रहा था। इस दौरान उन्हें अभिनेता राजन हक्सर से प्रेम विवाह भी किया। वो कश्मीरी पंडित थे। मनोरमा का समय अच्छी तरह से बीत रहा था, पर भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद उनका जीवन कठिन हो गया। पर कठिन परिस्थिति में उन्होंने भारत को चुना। वहीं रूप शौरी और उनकी बीवी मीना शौरी का भी समय बदल गया। मीना शौरी हिंदी सिनेमा की स्टार अभिनेत्री थी, पर उन्होंने पाकिस्तान बसने का फैसला किया। पर रूप शौरी को अपना देश छोड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस वजह से दोनों अलग हो गए और रूप शौरी भारत आ गए। इसके साथ लाहौर के सभी हिंदू कलाकार को मुंबई और दिल्ली बसना पड़ा, जिनमें मनोरमा भी थी। मुंबई का जीवन मनोरमा के लिए नया था। कुछ दिन बीतने के बाद उन्हें लगा कि ये जो स्टारडम उन्हें मिला था वो सब झूठ था, क्योंकि मुंबई बसने के बाद उनके पास कोई काम नहीं था। पर उस समय के महान अभिनेता चंद्रमोहन ने मनोरमा की मदद की और उनकी मुलाकात मुंबई के बड़े निर्माताओं से करवाई। जैसे जैसे समय बीता, मनोरमा का शरीर बढ़ने लगा। पर मुंबई बसने के बाद उन्हें बहुत से फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जिनमें वैम किरदार ज्यादा थे। 1960 के बाद उन्होंने एक जैसे किरदारों को निभाना शुरू किया। मोटा सा शरीर, गोल गोल आंखें, ऊंची भुइयां और उस पर गुस्सा, इन भाव वाली मनोरमा को लोगों ने खूब पसंद किया और इस तरह फिल्म जगत को अलग प्रकार की खलनायकी मिली, जो कॉमेडी भी कर सकती थी। देवानंद साहब की गैम्बलर, 1966 की 10 लाख, 1967 की एक फूल दो माली, महमूद साहब की बॉम्बे टू गोवा, 1971 की महबूब की मेहंदी, धर्मेंद्र साहब की सीता और गीता, इन फिल्मों में मनोरमा का किरदार बड़ा मजेदार रहा। सीता और गीता फिल्म के चाची को कौन भूल सकता है। आज भी मनोरमा के नाम के साथ इस किरदार का नाम लिया जाता है। पर समय का चक्र हर दम बदलते रहता है। भारतीय फिल्मों का गोल्डन एज खत्म होने के बाद मनोरमा के सितारे मिटने लगे। यूं कह लीजिए कि देवानंद राजेश खन्ना साहब का समय खत्म हुआ और अमिताभ बच्चन का जमाना आ गया। इस बीच बेचारी मनोरमा को फिल्मकार भूलने लगे और इस कठिन परिस्थिति में उनका तलाक भी हो गया। 1970 के बाद उनकी बेटी रीता हक्सर ने भी फिल्म जगत में बतौर हीरोइन कदम रखा, पर 1970 के बाद वो भी गायब हो गई। पर रीता के फिल्मी सफर में 3 इक्के, सेहती मुराद, पंडित और पठान, इन 3 सफल फिल्मों के नाम आते हैं। कहा जाता है कि 90 के दशक तक मनोरमा का समय काफी कठिन बीता। कुछ फिल्मों में काम किया था, पर सीता और गीता जैसी बड़ी फिल्म आगे उन्हें मिली नहीं। पर टेलीविजन का जमाना आ गया और मनोरमा को अच्छे ऑफर्स मिलने लगे। साल 2000 का प्रचलित सीरियल कुटुंब में दादी के किरदार में वो हमेशा नजर आती थी। हिंदी समेत पंजाबी फिल्मों में भी मनोरमा प्रचलित रही। लगभग 150 फिल्में करने के बाद मनोरमा 2005 की फिल्म वाटर में दिखी। पर सबको हंसाने वाली मनोरमा का आखिरी समय बड़ा दर्दनाक रहा। 2007 के अंत तक उन्हें स्ट्रोक आया। इस कारण से वो बोल भी नहीं पाती थी। फिल्मी गलियारों में अक्सर बात कही जाती है कि मनोरमा अंतिम दिनों में पूरी तरह से अकेली थी और 15 फरवरी 2007 को उन्होंने आखिरी सांस ली। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।